निजर मतामत जनाजे कि सार कि मैडम आम सेकेंड इयर बायोलोजी क्लास स्टार्ट करूँ तो मैंने फर्स्ट इयर में जानते हैं तुम फर्स्ट इयर दुटा बायोलोजी दुईटा पार्ट अच्छे गोटे हूँ बटनी आ गए हूँ जूलोजी तो आज आम बायोलोजी फर्स्ट यूनिट कौन अच्छी ना रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन फर्स्ट बटनी चैप्टर वन कौन अच्छी ना रिप्रोडक्शन इन प्लांट तो आम फर्स्ट आज कौन जानवा बटनी चैप्टर वन रिप्रोडक्शन इन प्लांट तो आज स्टार्ट करेंगे कौन चैप्टर वन रिप्रोडक्शन प्लांट कौन दीजिए फास्ट अच्छे कौन व्हाट इज रिप्रोडक्शन तो आम कौन जानवा रिप्रोडक्शन कौन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट तो पूरा तुम पूरा सिंपली कौन कौन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच जो कि ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स पेरेंट्स पाखु गोटे न्यू ऑफस्प्रिंग सृष्टि हुए तर कौन कहते ना इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यह गोटे महत्वपूर्ण कैरेक्टर सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाखरे यह गोटे महत्वपूर्ण कैरेक्टर देखिए कथा कौन देखिए दिस इज ए प्रोसेस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज माने नूतन जाति सृष्टि करिवारे यह हमको हेल्प करते सहायता करतापर आम कौन जानवा बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन तो कौन अच्छी जानवा ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैव सम कॉमन बेसिक फीचर इज आर फॉलोइंग तो कौन देखिए तो ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैव सम कॉमन बेसिक फीचर तो समस्त किसी कॉमन बेसिक फीचर अच्छे जोटा कि आम तले डिस्क्राइब कर सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल्स कौन कह सिंथेसिस होची आरएनए प्रोटीन और बायोकेमिकल्स और अदर बायोकेमिकल्स गुटा कौन होची ना सिंथेसिस होची तापर कौन देखिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डीएनएटा रेप्लिकेशन होची सेल डिविजन होची ग्रोथ ऑफ सेल सेल रो ग्रोथ होची फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव यूनिटा होची जो थे कि तुम रिप्रोडक्शन कौन ना मैंने बढ़ी चलती धीरे धीरे बढ़िवार लगे से फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट द्वारा तापर कौन चाहिए फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव यूनिट रु गोटे नूतन इंडिविजुअल मैंने गोटे नूतन ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल मैंने नूतन ऑर्गेनिज्म गोटे सृष्टि होती कौन कह फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव यूनिट गोटे इंडिविजुअल सृष्टि होती तो आम कौन जानले बेसिक पिक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन तो अबे आम कौन जानवा ना टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने रिप्रोडक्शन को केत विभक्त कराई तो अबे आम जानवा कौन डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेनली रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स तो कौन कह डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर मैंने बॉडी गठन को लक्ष्य करबिटाट परिवेश अनुसार से किपर निजक परिवेश सहित निजी किपर खाप खुआ रखुच्च से विभक्त करके ऑर्गेनिज्म मेनली किपर भाव रिप्रोडक्शन को दिह विभक्त कराई कौन कौन अच्छी गोटे अच्छे एसेक्सुआल रिप्रोडक्शन आ गए हूँ सेक्सुआल रिप्रोडक्शन तो आम एसेक्सुआल रिप्रोडक्शन कौन जानवा सेक्सुआल रिप्रोडक्शन कौन जानवा तो फास्ट जानवा डिफरेन्स बिटवीन एसेक्सुआल रिप्रोडक्शन आउ सेक्सुआल रिप्रोडक्शन फास्ट जानवे कौन ना सेक्सुआल रिप्रोडक्शन क्या कहुए एसेक्सुआल रिप्रोडक्शन क्या कहुए सेक्सुआल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल डिफरेन्स कौन पार्थक्य कौन तो आपको कौन पर एसेक्सुआल कहला तो आपको कौन पर सेक्सुआल कहला तो गोटे कौन पर रखी दिखानी एसेक्सुआल कहीं सेक्सुआल केवल रिप्रोडक्शन करें छाड़ी नाला तो कहीं कहला ना यहाँ एसेक्सुआल रिप्रोडक्शन एटा सेक्सुआल रिप्रोडक्शन तो आम कौन जानवा सेक्सुआल रिप्रोडक्शन क्या कहुए आउ एसेक्सुआल रिप्रोडक्शन क्या कहुए तो आम कौन जानवा एसेक्सुआल रिप्रोडक्शन क्या कहुए ना एसेक्सुआल रिप्रोडक्शन डज नॉट इनवॉल्व फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट से कौन कह एसेक्सुआल रिप्रोडक्शन डज नॉट इनवॉल्व ये इनवॉल्व करेनी फॉर्मेशन और फ्यूजन फ्यूजन कि फॉर्मेशन करिवारे गैमेट गैमेट फॉर्मेशन करिवारे एसेक्सुआल रिप्रोडक्शन इनवॉल्व हुए ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनवॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट तो यार अपोजिटा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुआल अपोजिटा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनवॉल्व फॉर्मेशन तो यह कौन ना इनवॉल्व करे फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट तो गैमेट फ्यूजन करिवारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करे तो कौन जानवा इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल इट इज यहाँ गोटे यूनिपेरेंटल मानने सिंगल पेरेन्ट्स पाखु यह एसेक्सुआलटा हुई था तो एटा कौन कह इट इज ऑलवेज बायपेरेंटल बायपेरेंटल मैंने पेरेन्ट मान जो मैंने पेरेन्ट्स पाखु एटा दुईटा दुई जन पाखु ही मेल फिमेल पाखु ही आम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये कौन कह इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल होता है यहाँ हूँ बायपेरेन्टल तो यहाँ आम कथा पड़े इट इनवॉल्व्स ओनली माइटोसिस इट इनवॉल्व्स ओनली मेयोसिस तो कौन कह ओनली माइटोसिस इनवॉल्व करे एटा कौन ना मेयोसिस इनवॉल्व करे तब कौन कह इट इज ए सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस तो एसेक्सुआल प्रोसेसटा कौन ना यहाँ हूँ यूनिपेरेंटल आटा गोटे सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस मैंने बहुत सिंपल आउ बहुत जल्दी ये प्रोसेसटा
काम करे। तो ये जे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कहे ये जे कम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस ए गोटे कम्प्लेक्स मानते जटिल आ स्लो प्रोसेस कौन कहे इट डज नॉट प्ले रोल इन इवोल्यूशन ए कौन सी प्ले रोल करे ना मानते कौन सी दायित्व बहन करे ना इवोल्यूशन कौन सी दायित्व बहन करे ना। तापर कौन कहे इट प्लेज वाइटल रोल इन इवोल्यूशन यह गुरुत्वपूर्ण रोल नहीं था इवोल्यूशन मानने आगामी पीढ़ी पर यह गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय जोटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आम कौन कहे इट प्ले वाइटल रोल मानते गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करवल्यूशन कौन आसजाम्पल आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन इट इज कमन एमंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड सिमिलर सिंपल प्लांट कौन कहे सिंपल प्लांट आउ एमंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को पाखरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पाखरे देखा इट इज कमन इन हायर प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म बा एनिमल कौन कहे इट इज कमन इन हायर प्लांट आउ ऑर्गेनिज्म मानको पाखरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए। तो तुम कौन जान लो डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल कौन जान लो ना एटा हूँ इनवल्व करे ना फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन और गैमेट तो एटा इनवल्व करे। तो कौन कहे इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल यह हूँ बायपेरेंटल एटा कौन माइटोसिस इनवल्व करे एटा मेयोसिस इनवल्व करे। तो एटा कौन एटा गोटे सिंपल और फास्ट प्रोसेस एटा गोटे कम्प्लेक्स आउ स्लो प्रोसेस कौन कहे एटा वाइटल रूल मैंने डज नॉट प्ले रूल इवोल्यूशन कौन सी भूमिका ग्रहण करे ना एटा वाइटल रूल मैंने गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे इवोल्यूशन एटार कमन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आ सिंपल प्लांट मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जांपल आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जांपल कौन होती इट इज कमन इन हायर प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म एटार कौन ना हायर प्लांट और ऑर्गेनिज्म मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जांपल। तो मैंने कौन जान लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भितर डिफरेंस। तो अबे हमें कौन जान ले ना डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय में। तो अबे हमें कौन जानिबा ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लो डेफिनेशन आज दर डिफरेंट टाइप्स विषय में। तो कौन अच्छी ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्शन इन व्हिच द ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन कौन कहे द रिप्रोडक्शन इन व्हिच मैंने एमती एक रिप्रोडक्शन जो थे कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए बाय ए सिंगल पेरेंट को पाखु गोटे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन गैमेटिक बिना गैमेटिक फ्यूजन ले जो रिप्रोडक्शन हुए एवं सिंगल पेरेंट द्वारा जो रिप्रोडक्शन हुए और गोटे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए ताकू कौन कौन आम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तुम कौन ना डेफिनेशन एम मन रखे जो रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेटिक फ्यूजन सिंगल पेरेंट्स रे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए ताको कौन कह जाए ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन अच्छे पूरा सिंपल तुम मन रख गैमेटिक फ्यूजन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन सिंगल पेरेंट्स रो प्रेजेंस रे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए तो सहीटा को कौन कह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब कौन जाना इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली यूनिफॉर्म सच टाइप ऑफ यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ओरिजिनेटिंग ए सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन कौन कहे इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस जो ऑफस्प्रिंगटा प्रोड्यूस हुए आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली यूनिफॉर्म मैंने कौन कहे ना से जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स मैंने जो मैंने कि सृष्टि हमारी ऑफस्प्रिंग जो सृष्टि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना से कौन ना पेरेंट्स सहित पूरा सिमिलर तो से कौन ना किसी डिफरेन्स देखा जाए ना। तो सच टाइप ऑफ यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ओरिजिनेटिंग ए सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन तो जो ओरिजिनेटी जोटा सृष्टि यूनिफॉर्म गोटे नूतन ऑर्गेन ऑफस्प्रिंग सृष्टि सिंगल ऑर्गेनिज्म कौन कहुच्छे ना क्लोन कौन कहला ना इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली यूनिफॉर्म सच टाइप ऑफ यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ओरिजिनेटिंग ए सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन। तापर कौन जानवा ना टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तुम ये कौन देख ला कौन कहे इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम टाइप जानवा कर जान ना कौन कहे इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग मैंने पेरेंट्स सहित से कौन ना सिमिलर अच्छे तुम देख नॉर्मल गोटे प्लांट को कंसीडर कर कौन कहे ना गोटे प्लांट आउ मैं तुम गोटे मैंगो ट्री को कंसीडर कर तो कौन ना मैंगो ट्री मंजीटा पड़ा मंजीटा पड़ा सेमिलर मैंगो ट्री ही होची तो कौन थोड़ी ना गछ किसी चेंज हो मैंगो ट्री रू थोड़ी ना निम गछ हो कि अलग किसी गछ हो तो मैंगो ट्री रू मैंगो ट्री ही होची तो तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर कर इन
इन केस ऑफ ह्यूमन तुम केस देख तो तुम बापा माँ जमी देखा तुम कौन तुम बापा माँ सिमिलर कि पूरा सिमिलर तो नुह तो किटा बापा गुण किसी माँ का गुण रही पारे कि पूरा पूरी सिमिलर नुहे जपर गोटे प्लांट तो कौन प्लांट रे कौन ना गोटे मैंगो गच जमी तो तार सिमिलर तार ऑफस्प्रिंग जेटा कि सृष्टि है तो सी पूरा तार सिमिलर तो मैंगो एटर मैंगो हो मैंने सेटर भी मैंगो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसीटा सिमिलर थाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पेरेन्ट्स जहाँ थाए पेरेन्ट्स पूरा सिमिलारिटी देखा जाए तार ऑफस्प्रिंग थाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसीटा डिफरेंट देखा जाए तो ये आम कौन जाना ना यार टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स विषय जाना साइज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज ए फॉलोइंग वे को लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टा टेक्स प्लेस करे कौन फास्ट अच्छे कौन ना फिशन फिशन कौन अच्छी दिस इज द डिविजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल कौन कौन द पेरेंट बॉडी टा कौन हम ना दुईटा किंबा दुईटर अधिका डॉटर इंडिविजुअल ले डिवाइड हबो ताको कौन कहुचि ना फिशन तो दिस इज द डिविजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल इट ऑकर्स बाय बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन ए कौन ना ए ऑकर बाय बाइनरी फिशन आउ मल्टीपल फिशन तुम कौन जानव ना एवं कौन जानव बाइनरी फिशन क्या कह जाए मल्टीपल फिशन क्या कह जाए तो फास्ट क्वेश्चन कहते हैं बाइनरी फिशन क्या कह जाए जानवा इन दिस प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने एहा गुटे कोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लो टाइप होची फिशन फिशन लो टाइप आछी कोन बाइनरी फिशन ऑकर को करछे बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन तो बाइनरी फिशन कोन दोची इन दिस प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लो प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स कोन कोची ना द पेरेंट बॉडी टा डिवाइड हो इक्वल हाफ्स माने पूरा समान भाग रे दुई भाग रे विभक्त हो इक्वल हाफ्स रे विभक्त हो तापर कोन कोचे डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन द बाइनरी फिशन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप तो एबे कोन आमे जाने फिशन को दुई भाग रे तो करै छी गोटे होचे बाइनरी फिशन आउट होचे मल्टीपल फिशन तो एबे आमे कोन जानिबा ना बाइनरी फिशन को आउरी फॉलोइंग डिवाइड करै छी केते भाग रे तो से विषय आमे जानिबा एबे तो आमे कोन जानले ना बाइनरी फिशन ल एबे जानिबा बाइनरी फिशन ल डिफरेंट टाइप्स गुड़ाक जाना तो फास्ट कौन अच्छी बाइनरी फिशन सिंपल बाइनरी फिशन तो कौन कौन इट कैन अकर थ्रू एनी प्लेन मान एनी प्लेन मैं जो कौन सी प्लेन यहाँ अकर्स हुए तो कौन कौन बाइनरी फिशन इट कैन अकर थ्रू एनी प्लेन तो एग्जांपल कौन अच्छी ना एमोइबा सिंपल बाइनरी फिशन एग्जांपल होची एमोइबा तुम एग्जाम आसो सिंपल बाइनरी फिशन एग्जांपल दबे एग्जाम आसो तो आम कौन दबो ना एमोइबा तो तार कौन लिखो इक्वल लिखो ना इट कैन अकर्स थ्रू एनी प्लेन तार कौन कह लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन तार कौन कह द प्लेन ऑफ डिवीजन यह गोटे डिवीजन जो पासेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म रो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रे जो प्लेन टा डिवीजन है ताको कौन कह जाए ना लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन तार एग्जांपल कौन होची ना यूग्लिना तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन रो एग्जांपल होची यूग्लिना तो तार गोटे तुम पूरा सिंपली कौन मन रख पार द प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रो जो प्लेन टा डिवीजन हो ताको हमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन कहबा तार कौन चाहिए ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन तो कौन कह द प्लेन ऑफ डिवीजन अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल तो सेम जे लॉन्गिट्यूडिनल कौन कहला ना डिवीजन पासेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस तो सेम सेमती कौन कहला ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन द प्लेन ऑफ द डिवीजन अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल ट्रांसवर्स एक्सिस जो प्लेन टा डिवीजन हुए तो ताको कौन कहाना आम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन तो एग्जांपल कौन होची ना पारामेसियम तो तुम सब मन रख एग्जाम जहाँ भी आसो तो एग्जांपल सब मन रखिए एग्जांपल सब इंपोर्टेंट तो तुम सिंपल सिंपल बाइनरी फिशन कौन आसो ना एमोइबा लॉन्गिट्यूडिनल कौन आसो ना यूग्लेना तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कौन आसो ना पारामेसियम तो सबुर एग्जामपल मन रखे एग्जामपल ही तुम एग्जाम किसी ना गोटे वन मार्क कैच करने तुम एग्जामपल जो देखो तुम कि मार्क से मिलजो तापर कौन कहे ना ऑब्लिक बाइनरी फिशन ऑब्लिक बाइनरी फिशन कौन कहे द प्लेन ऑफ द डिवीजन इज ऑब्लिक तो कौन कहे तो सेम तीन टाइम पूरा सेम सिमिलर देख लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रे डिवीजन होला तो ट्रांसवर्स रे ट्रांसवर्स एक्सिस रे डिवीजन होला तो तापर ऑब्लिक रे ऑब्लिक रे ऑब्लिक एक्सिस रे डिवीजन होला तो तीन टाइम देख सिमिलर जो तुम पूरा भल भाव कौन ना मन रखे केवल तो हेडिंग मन रखदे तुम कौन तार रेफरेसन तार ये तुम भलसे डेस्क्राइब करपर तो तार एग्जाम कौन करें सेरेटियम सेरेटियम एग्जाम्पल तुम मन कौन ना सेरेटियम एग्जाम होब्लिक बाइनरी फिशन एग्जाम्पल होती सेरेटियम
तो ट्रांसवर्स एग्जांपल होची पैरामेसियम, लॉन्गिट्यूडिनल एग्जांपल होची यूग्लिना, तो सिंपल बाइनरी फिशन एग्जांपल होची एमोइबा। तो आम कौन जानल बेबे एटा कौन कला ना बाइनरी फिशन विभिन्न मानने टाइप गुड़ा गला। तो एबे आम कौन जानवा ना फास्ट आम कौन करते दुई भाव में विभक्त करते गोटे थी बाइनरी फिशन आउ गए थी मल्टीपल फिशन। तो फिशन को दुई भाव विभक्त कला तो बाइनरी फिशन गला एबे कौन आम जानवा ना मल्टीपल फिशन क्या कहे। तो कौन कौच ना इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल। तो कौन कौच इन दिस प्रोसेस यही प्रोसेस रे पेरेंट बॉडी डिवाइड हुए माने पेरेंट बॉडी विभक्त हुए इनटू मेनी सिमिलर माने पेरेंट बॉडीटा डिवाइड है कि मेनी सिमिलर माने से जमीतिका तो तार सिमिलर रो बहुत सारा डिवाइड है जाए मेनी सिमिलर मेनी माने बहुत बहुत सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे। तो ताको कौन कहो छी ना मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल तुम नॉर्मल देख बाइनरी फिशन मल्टीपल मल्टी माने माने बहुत माने मल्टी तुम नॉर्मल कॉमन गोटे जिन लक्ष्य कर हेडिंग सब तुम बुझी पार्थ जमी हेडिंग देखो तो सहीटा सब मन कौन कहते ना मल्टीपल फिशन मल्टी मैंने तो सांगे सांगे भाव मल्टी मैंने तो बहुत तो आम सांगे सांगे किसी न जापारे भी गोटे मल्टीपल फिशन मैंने कौन मेनली सिमिलर मेनली तुम डॉक्टर इंडिविजुअल तुम मन रखी तुम से लिखिद तो तुमको पूरा प्रोसेस मन रखा पड़ना खाली सर्ट गोटे लाइन मन रखे तुम निजे निज वार्ड देखिए तुम लिखिपार। तो कौन कहे ना इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल। तो तार एग्जांपल कौन कहे ना प्लाज्मोडियम। तो एग्जांपल कौन ना प्लाज्मोडियम मेनी सिमिलर पेरेंट बॉडी प्लाज्मोडियम तो पेरेंट बॉडी गोटे प्लाज्मोडियम गोटे पेरेंट बॉडी तो सी कौन है ना प्लाज्मोडियम पेरेंट बॉडी तो सी कौन है ना मेनी डिवाइड है मेनी सिमिलर रे माने एटी गोटे डिवाइड है देख डॉटर इंडिविजुअल डिवाइड है पुणी यांक पाखरु कौन हम ना एम भी से डिवाइड हे मेनी डॉटर इंडिविजुअल तो पुणी आंक पाखर जैसे कौन हम ना एमती हिं प्रोसेसटा लग रहा तो बास एमती हिं सिमिलर धीरे 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 ग्रोथ हो चल। तो आज क्लास में कौन जाने ना यूनिट वन रिप्रोडक्शन चैप्टर वन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म विषय जान ले तो डिविजन विषय सब कहली तो बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन विषय जान लो। तो मल्टीपल फिशन पर तुम सिलेबस अनुसार तापर जहाँ सब अच्छी तो मुझे तुमको ता नेक्स्ट क्लास में कहबी। तो जदि मोर आजिकार भिडियो तुमको भल लगी था तो मो चैनल को सब्सक्राइब कर मो भिडियो लाइक कर और जिते पार निज फ्रेंड मानक सेयार कर।